आज की वीडियो उन सभी कोरियन फैंस के लिए, जब भाई हम अपनी डेली लाइफ से बोर हो जाते हैं तब इन कोरियन ड्रामा को ढूंढते हैं हम अपनी इस दुनिया को भुलाकर उनकी दुनिया में जाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 बेहतरीन कोरियन ड्रामा सीरीज लाए हैं जो देखते देखते आपकी इमोशंस बन जाएंगी, जिसमें आपको बोनस सीरीज भी देखने को मिलेंगी जो हमेशा की तरह सिर्फ टॉप क्लास की होंगी, तो एक भी मिस ना करिएगा। और हाँ, इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई उस लिस्ट में भी कोरिया की सिर्फ इमोशंस को ही रखे हैं। ऐसे और भी कोरियन ड्रामा को एक्सपीरियंस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप सभी हर एक वीडियो को देखते हो भाई, पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज भाई कर दो। नंबर 7 की सीरीज भाई टीनेज स्कूल रोमांस ड्रामा फैंस के लिए ये ड्रामा सीरीज मस्ट वॉच रहेंगी। हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से 2021 की टीनेज कॉमेडी ड्रामा के साथ सो नॉट वर्थ इट। दुनिया भर के टीनेज स्टूडेंट को लेकर एक कोरियन स्कूल ड्रामा सीरीज को बनाना, कुछ नए फ्रेंड्स, प्यार और कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। स्टार्टिंग में भाई थोड़ी ये जरूर लगेगा कि ये क्या खिचड़ी टाइप सीरीज बना दिया यार। जैसे जैसे आप इस ड्रामा सीरीज में देते हो, एक एक कैरेक्टर की एक्टिंग, उनकी पर्सनैलिटी आपको पसंद आने लगती है, और एक टाइम पे जाकर ना भाई डेफिनेटली आप कोई ना कोई कैरेक्टर से कनेक्ट जरूर कर पाएंगे। खासकर इसके टाइमिंग के साथ वो सिचुएशनल कॉमेडी देखकर आपको हंसी जरूर आएंगी। हर एक एपिसोड करीबन 30 मिनट की, अगर आप कनेक्ट हो गए तो एक बार में ही खत्म कर दोगे। ऊपर से नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग आपको मजबूर करेगी पूरा देखने के लिए, जरूर देखिए, सीरीज नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की ड्रामा सीरीज भाई हॉरर जॉनर में कुछ यूनिक प्रेजेंट करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं कुछ खतरनाक सा फील आपको जरूर कराएगी। हम बात करें भाई नेटफ्लिक्स की तरफ से 2022 की हॉरर ड्रामा थ्रिलर के साथ मॉन्स्टर। स्टोरी भाई कई साल पहले दफन किए गए बुद्धा स्टैचू को निकाला जाता है, जिनके आंखों पे पट्टी बांधा गया है ताकि उस बुद्धा से मॉन्स्टर बाहर ना आ सके। क्या हो जब उस पट्टी को निकाला जाएगा? अंधेरा बादल छा जाएगा, काली बारिश होने लगेगी और एक दूसरे को ही मारने और काटने लगेंगे। सीरीज भाई कोरिया की तरफ से है तो ये सब आपको खतरनाक तरीके से दिखाया जाएगा, और नो डाउट भाई हमें सीरीज दिखलाती है। बस भाई इसका नेगेटिव पॉइंट लगा, ऐसे ऐसे सीन दिखलाते हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जिसके वजह से सीरीज कहीं कहीं पे आपको कुछ भी वाला फील कराती है। इसके कॉन्सेप्ट के लिए एक ट्राई आप डेफिनेटली दीजिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस 1 की ड्रामा, अगर भाई आपको रिवेंज ड्रामा टाइप सीरीज देखना पसंद है और आपको पेंट हाउस जैसी सीरीज आपकी इमोशंस को हिट किया था, तो ये सीरीज उस लेवल का तो नहीं भाई, पर उसके जैसा फील जरूर कराएगी। आप सभी हमेशा कमेंट में कहते हो कि भाई कोई पेंट हाउस जैसा रिवेंज ड्रामा सीरीज बताओ, तो भाई ये ड्रामा सीरीज को आप देखना स्टार्ट करो। हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से 2022 की रिवेंज ड्रामा के साथ री मैरिज एंड डिजायर। जब सारी सीमाएं हदें पार हो जाती है, उसके बाद की जो रिवेंज देखने को मिलती है ना भाई, वो सबसे खतरनाक होता है। ये ड्रामा सीरीज आपको एक्सपीरियंस कराएगी, नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 5 की ड्रामा सीरीज उन सभी के लिए जिन्हें टीनेज स्कूल ड्रामा पे बेस्ट क्राइम मिस्ट्री टाइप सीरीज देखना पसंद है, तो ये कोरियन ड्रामा आपके लिए। 2016 की मिस्ट्री ड्रामा के साथ 16 मंथ्स पर ज्यूरी, पूरे हाई स्कूल के स्टूडेंट दहशत में है जब उसी स्कूल के छत पर से एक स्टूडेंट कूद कर अपनी जान दे देता है। स्कूल इसे सुसाइड बताकर केस को क्लोज करना चाहता है कि स्कूल की बदनामी ना हो। क्या सच में ये सुसाइड है या फिर मर्डर, जिसके पीछे छिपी है भाई कुछ गहरे सीक्रेट, वो क्या है आप इस ड्रामा सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस करो। सीरीज कोरिया की तरफ से है भाई, तो एक एक स्टेप आपको ऊपर ले जाएंगी, हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग आपको पसंद आएंगी, धीरे धीरे करके इनकी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आप घुसते चले जाओगे। इस टाइप की ड्रामा सीरीज को देखना पसंद है तो जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 4 की ड्रामा सीरीज भाई ट्रायंगल लव स्टोरी हो, वो बॉस और एम्प्लॉय वाली जेलसी हो, ऊपर से कोरिया की तरफ से हो, तो भाई यकीन मानो देखने में मजा बहुत आएगा। 2018 की रोमांस ड्रामा के साथ व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। स्टोरी भाई ली यूंग की है, जो अपने फैमिली बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और दूसरी तरफ उनकी सेक्रेटरी किम पे बेस्ड है, जिन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए सेक्रेटरी किम का सबसे बड़ा हाथ है। ट्विस्ट तो ये है कि 9 साल साथ काम करने के बाद एकदम से सेक्रेटरी किम जॉब छोड़ देती है। वो कहते हैं ना, किसी के साथ रहने के बाद उसकी कीमत पता नहीं चलती, जब इस बात को आपको एहसास होता है तब आप उन्हें वापस पाना चाहते हो। जेलसी की बात तो ये है कि भाई उनके बड़े भाई सेक्रेटरी किम को चाहते हैं, दो भाई के बीच आखिर सेक्रेटरी किम किसे चुनेंगी, आप इस ड्रामा सीरीज में देखो। और नो डाउट भाई इस ड्रामा सीरीज को देखने में मजा बहुत आएगा, हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे फ्री में अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस 2 की सीरीज खतरनाक यार। इसके कॉन्सेप्ट भाई आउट ऑफ दी बॉक्स, आप ही सोचो भाई आप कब मरने वाले हो, आपको डेट बता दिया जाए, नर्क के देवता धरती पर आकर दौड़ा दौड़ा कर बहरेमी तरीके से आपके रूह को निकाल कर ले जाएंगे, और ये सब भाई आपको एक एक सीन दिखलाया जाएगा। जब नेटफ्लिक्स की क्वालिटी और कोरिया की बियॉन्ड कॉन्सेप्ट के साथ उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलती है ना भाई, तो भाई वो सीरीज नेक्स्ट लेवल की होती है। हम बात करें 2021 की हॉरर फैंटेसी के साथ हेलबॉर्न। I'm here to you.
इसके कॉन्सेप्ट के लिए एक ट्राई जरूर दीजिए। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 3 की ड्रामा सीरीज की कॉन्सेप्ट भाई काफी इंटरेस्टिंग है। आप ही सोचो, 25 साल के उम्र में ही आप 80 साल की बुढ़ी हो जाओ, आपके दोस्त यहाँ तक कि आपकी फैमिली भी आपको पहचान ना सके, ऐसे वक्त में आपका रिएक्शन क्या होगा, ये ड्रामा सीरीज आपको एक्सपीरियंस कराएगी। 2019 की फैंटेसी ड्रामा के साथ द लाइट इन योर आईज। भाई एक ऐसा मिस्टीरियस घड़ी जिससे आप पास्ट में जाकर फ्यूचर को बदल सकते हो, पर इसके लिए देनी पड़ेगी भारी कीमत। भाई ट्विस्ट तो ये है कि बार बार टाइम ट्रेवल करने से आप 25 साल के उम्र में ही 80 साल की बुढ़ी हो जाती हो। एक बेटी अपनी माँ से पहले ही बुढ़ी हो चुकी होगी ना, अजीब सा, एकदम से 25 साल से सीधा 80 साल की बुढ़ी। ऐसी सच्चाई को एकदम से एक्सेप्ट करना आसान नहीं। सीरीज कोरिया की तरफ से है तो ये सब आपको फील कराएगी। खासकर इन दो भाई बहन के बीच की वो खट्टी मीठी कॉन्वर्सेशन आपको पसंद जरूर आएंगी। क्या वो रियल एज में वापस आ पाती है या नहीं, आप सीरीज में देखो। फ्री में हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 2 की ड्रामा सीरीज क्या हो, जब आपको पिछले एक साल की सारी बातें एग्जैक्ट याद हो। थोड़ी कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है भाई, ऊपर से कोरिया की तरफ से है तो और भी इंटरेस्टिंग होगी। 2020 की फैंटेसी मिस्ट्री रोमांस ड्रामा के साथ फाइंड इन योर मेमोरी। एक हमारे हीरो जिसे पिछले 365 दिन की सारी बातें याद रह जाती हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी एक्ट्रेस के साथ जस्ट उल्टा होता है। उनकी ही पास्ट लाइफ बीती हुई बातें उन्हें याद नहीं रहती। ये दो अजीब कैरेक्टर के बीच की वो लव स्टोरी होगी ना इंटरेस्टिंग, और सच में भाई इन दोनों कैरेक्टर के बीच की वो केमिस्ट्री आपको पसंद जरूर आएंगी। बस थोड़ी इसके हिंदी डबिंग से कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हम ऑडियंस को अब नेटफ्लिक्स जैसे टॉप क्लास की हिंदी डबिंग की आदत हो चुकी है। उस लेवल का नहीं तो भाई सीरीज देखने में मजा नहीं, पर आपके कॉन्सेप्ट में दम है तो देखेंगे जरूर। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की सीरीज, भाई आपको कई बार ये ड्रामा सीरीज रुला जाएगी, और इसमें कोई शक नहीं भाई, कोरिया फैमिली ड्रामा और इमोशंस को इतनी बारीकी से पकड़ता है कि भाई सीधा ऑडियंस की इमोशंस से कनेक्ट करता है। 2014 की ड्रामा मिस्ट्री के साथ पिनोकियो। जरूर देखिएगा इस ड्रामा सीरीज को, फ्री में हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 1 की सीरीज भाई, सैल्यूट है इसी ड्रामा सीरीज को हमारे सामने लाने के लिए। गजब का भाई, एक सोल्जर बनना कोई आम बात नहीं, उनकी लाइफ आसान नहीं होती। ये सीरीज आपको डीप लेवल पर ले जाकर एक्सपीरियंस कराएगी। हम बात करें जिसके सेकेंड पार्ट हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया, क्राइम ड्रामा के साथ डीपी। डीपी एक ऐसा टीम मिलिट्री से भागे हुए भगोड़ों को पकड़ कर लाने का काम। अगर आप आर्मी से क्राइम कर भागते हो तो आपको सीधा ठोक दिया जाता है। आप ही सोचो भाई, इतने सख्त डिसिप्लिन होने के बावजूद भी उस बंदे पे क्या बीती होगी। आपकी बर्दाश्त की सारी सीमाएं हदें पार हो जाती है तब आप मर्डर जैसी क्राइम कर भाग आते हो। उसके बाद भी भाई आपको सुकून नहीं, आपके साथ आपके फैमिली को भी सहना पड़ता है। ये सब भाई ये सीरीज इतनी बारीकी से हमारे सामने रखती है कि भाई पूछो मत। और कोरिया की तरफ से है तो भाई इसमें शक नहीं किया जा सकता, हर एक एक सीन आपको एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिलेंगे। जरूर देखिए, नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। और आइए, इस लिस्ट की डाउनलोड लिंक चाहिए तो हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।